हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिविराज। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास नाइन्थ के बुक ए न्यू स्टाइल इंग्लिश ग्रामर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एक्सरसाइज पाँच सॉल्व करवाई जा रही है। ये सभी सेंटेंस पेज नंबर 212 पे मिल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में आता है सब्जेक्ट। जैसे किसी भी सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे मैं, तो इसकी स्पेलिंग शुरू में लिखी जाएगी। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर रेस्ट पार्ट है तो वो भी लिखेंगे। इसमें का रोल अभी यस या यस बताएंगे कहाँ पे यूज होगा। जैसे ही इट या किसी का नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यस या यस जोड़ेंगे। अभी हम बताते हैं यस या यस। ये देखिए एक टेबल है जिन वर्ब के वर्ब इंडिकेट मतलब जिन वर्ब के अंत में सी एच या एस एच ओ जेड और डबल एस और एक्स आ जाए तो उसमें एस जोड़ेंगे। जैसे डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, वॉच मीन्स देखना है, तो यहाँ पे सी एच लास्ट में पड़ गया तो एस जोड़ देंगे। इसी तरह से वॉश है डब्ल्यू ए एस एच, तो इसमें एस एच लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर एस जोड़ा गया है। गो है लास्ट में देखिए ओ आ रहा है, इस टेबल में देखिए ओ, तो ईएस जोड़ देंगे। डू है तो इसमें भी ओ है तो ईएस जोड़ देंगे। अब देखिए डबल एस भी है तो मिस है तो मिसेज हो जाएगा, ईएस जोड़ेंगे। जैसे किस है के आई डबल एस होता है तो इसमें भी ईएस जोड़ देंगे तो किसेज हो जाएगा। फिक्स है एक्स हमने बताया था तो एफ आई एक्स, तो फिक्सेज ईएस जोड़ेंगे। मिक्स है मिक्सेज हो जाएगा और जेड भी आ जाए। अगर जेड यहाँ पे देखिए जेड ए लिखा है तो बी यू डबल जेड बज, तो बजेज हो जाएगा। और इसमें एक चीज देखना है जिन वर्ब के अंत में बाई हो, जैसे बाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको बाई को हटा के आई ई एस में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे रिप्लाई लिखा है आर ई पी एल वाई, तो यहाँ पे रिप्लाईज हो जाएगा आर ई पी एल आई ई एस। यहाँ पे बाई हटा दिया गया है और ये कॉन्सोनेंट एल लग रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह से स्टडी है एस टी यू डी बाई, यहाँ पे बाई हटा दिया गया है और डी के बाद आई एस लिख दिया गया है स्टडीज। अब इस तरह की जितनी भी मीनिंग होगी उसमें वाई हट जाएगा आई एस लिख जाएगा। पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा है मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट तो है आई, तो आई मीन्स होता है मैं, इसको लिख लिया। अब लिखता हूँ तो राइट मीन्स लिखता हूँ डब्ल्यू आर आई टी ई, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आई बी यू दे के साथ नहीं लगता है। और ये लेटर लिखेंगे एल ई डबल टी ई आर लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तुम अपने भाई का सम्मान करते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, यू मीन्स होता है तुम, और रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना आर ई एस पी ई सी टी रेस्पेक्ट, और यहाँ पे योर लिख जाएगा अपने भाई है, यहाँ पे यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग करेंगे ब्रदर। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, तो बी लिखेंगे, बी मीन्स होता है हम, ओबे ओबे मीन्स आज्ञा मानना, तो ओ बी ई बाई ओबे, और आवर लिखेंगे बी के साथ अपने की आवर हो जाएगी पेरेंट्स मीन्स माता पिता पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस बे प्रतिदिन सुबह टहलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, दे मीन्स होता है बे, दे लिख दिया। अब टहलते हैं तो वॉक लिखेंगे, वॉक मीन्स होता है टहलना डब्ल्यू ए एल के वॉक, और डेली लिखेंगे ही, डेली मीन्स प्रतिदिन डी ए आई एल वाई डेली, इन द मॉर्निंग सुबह है तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा योर फादर बाई ओ यू आर योर फादर, ये यहाँ पे आर बना है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, यस लगाइए रीड्स हो जाएगा न्यूज़पेपर यानी डब्ल्यू एस पेपर की पी ए पी ई आर न्यूज़पेपर। प्रतिदिन की डेली लिख सकते हैं चाहे तो एवरी डे ई बी ई आर वाई एवरी और डे। अब देखते हैं नेक्स्ट छठा सेंटेंस माता जी खाना बनाती हैं,
तो इसमें आ जाएगा मदर, MOTHER, मदर। कुक मीन्स पकाती हैं या बनाती है। COOK, यस कुक्स द फूड। FOOD कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सातवां सेंटेंस लिखा है शीला की बहन एक गीत गाती है, तो इसमें शीला की बहन है तो यहाँ पर शीला सिस्टर लिखेंगे। SEELA, शीला एपोस्ट्रोफी S, सिस्टर SISTER, सिस्टर। इतना लिखने के बाद सिंग मीन्स गाती है, SINGS, सिंग्स हो जाएगा। ए सॉन्ग, SONG, सॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो यहाँ पे द सन लिखेंगे, सूर्य की होती है द सन। और हाइड मीन्स छिपना होता है, HIDES, हाइड्स। इन द बेस्ट, बेस्ट मीन्स हो गया पश्चिम, WEST, बेस्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ये लड़कियां अपना काम करती हैं, तो दीज गर्ल हो जाएगा, TH ES E, दीज गर्ल। यहाँ पे एस लगेगा, बहुत सी लड़कियां हैं। डू मीन्स करना होता है। और देयर, यहाँ पे देयर इसलिए लिखा गया है दे के साथ अपना की देयर हो गई है। और जॉब लिखेंगे या फिर वर्क। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वे लड़के कठिन परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज, THOSE, दोज। वॉयज, वे लड़के हैं तो दोज वॉयज। और वर्क हार्ड, WORK, हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम। नेक्स्ट लिखा है यह चपरासी अब दरवाजा खोलता है, तो दिस, इसमें सब्जेक्ट है दिस पियोन, PEON, पियोन। ओपन, OPENS, ओपन्स द डोर, DOOR, डोर। नाउ मीन्स अब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हैबिचुअल सेंटेंस है, द वर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। इन द स्काई, और SKY। नेक्स्ट सेंटेंस लगा पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो हो जाएगा इसमें बर्ड्स, वर्ड्स फ्लाई या फिर वाई लिखा है यहाँ पे, इन द स्काई, SKY। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है, तो यह लड़के की हो जाएगा दिस, वह लड़का है तो दैट यहाँ पे हो जाएगा दैट। वाई, ऑलवेज मीन्स होता है सदैव। स्पीक, SPEAK, लगाइए, स्पीक्स द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स होता है सत्य। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर, BROTH, योर ब्रदर। और स्पीक्स, SPEAK, स्पीक्स। लाई, LIE। तो इस तरह से कंप्लीट हो गए 15 सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।